हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइड उम्मी। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ और रमज़ान की वजह से आपको पता है कि थोड़ा सा बीच में गैप आ जाता है, बातचीत नहीं हो पाती है उतनी, लेकिन क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों का इंटरेक्शन देखती रहती हूँ चैनल आप पे, आप लोग वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए आई रियली वॉन्टेड टू थैंक ऑल ऑफ यू फर्स्ट। तो अभी आज मैंने आपके साथ एक बहुत इंट्रिकेट डिटेल है जो कि शेयर करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे केयर होम की जॉब के बारे में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और एक चीज़, एक फ़र्क जो मैं क्लियर करना चाह रही थी वो है, दो तरह की जॉब्स होती हैं, ठीक है, केयर होम और होम केयर, ठीक है। ये बोलने में बाज़ दफ़ा हम इस तरीके से बोल जाते हैं केयर होम्स की जॉब, केयर होम या होम केयर की जॉब, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। केयर होम और होम केयर, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। स्लाइटली बोलने में तो स्लाइट डिफरेंस लगता है, लेकिन जब आप जॉब पे जाते हो तो दोनों चीज़ों में बहुत वाज़े फ़र्क है। दोनों के लिए जॉब मिलने की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी डिफरेंट है और स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंस मेजर क्या है। सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में ये है कि जो केयर होम्स होते हैं वो एक डेजिग्नेटेड, एक प्रॉपर्टी बनी होती है जहाँ पर एक केयर होम बनाया जाता है, ठीक है, जो कि पेशेंट्स जिनको हम आम जबान में बोलते हैं, जो कि ओल्ड एज के लोग हैं या जो भी लोग हैं, उनको रेजिडेंट्स बोला जाता है और वो वहीं पर ही रहते हैं। मतलब कि उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और वो वहीं पर रहते हैं, उनकी टेक केयर वहीं पर की जाती है। केयर होम्स के अंदर स्टाफ होता है जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स उन केयर होम्स को रन करता है। उसमें नर्स होती है एक, ठीक है, एक हेड होती है, फिर उसके नीचे स्टाफ होता है, केयरर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, खाने पीने का उनका अरेंजमेंट किया जाता है पूरा, विजिटर्स आते हैं, इस तरीके से वो पूरा जो केयर होम होता है वो मैनेज किया जाता है। जैसे आप कह लो एक मिनी हॉस्पिटल टाइप होता है, या जैसे हमारे यहाँ ओल्ड होम्स का के बारे में आपने सुना होगा, उस टाइप की आप एक चीज़ कह सकते हो कि आप जाओगे सुबह को, आप काम पर गए हो और आपने पूरा दिन उसी प्रॉपर्टी के अंदर ही रहना है, जैसे कि एक नर्स एक हॉस्पिटल में जाती है, सेम उसी तरीके से आप उस केयर होम में जाओगे और आप अपनी पूरी शिफ्ट खत्म करने के बाद उस केयर होम से घर वापस आ जाओगे। ये होती है केयर होम की जॉब। इसके बाद एक होती है होम केयर, ठीक है, या बाज़ दफ़ा उसको वो लोग होम केयर कहकर मेंशन नहीं भी करते, लेकिन केयर होम्स की जॉब्स के अंदर ही एक जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है कि जिसमें आपने पर्सनलाइज्ड केयर देनी होती है, ठीक है। उसमें ये होता है पर्सनलाइज्ड केयर आप केयर होम्स में भी दे सकते हो, जैसे केयर होम्स में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि या तो आप पूरी फ्लोर पे मैनेज कर रहे होते हो, या फिर आप केयर होम के अंदर एक या दो पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने अपनी पूरी ड्यूटी टाइम में देखना होता है। उसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को भी देखें, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरी कैटेगरी जिसकी मैं बात करी थी वो ये होती है कि जो पेशेंट होता है या जो रेजिडेंट होता है वो अपने ही घर में मौजूद होता है, वो आकर केयर होम्स में स्टे नहीं करते बल्कि वो अपनी प्रॉपर्टीज में ही रहते हैं और आप जाते हो उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी टेक केयर करने के लिए 9 to 5 या जो भी आपका ड्यूटी टाइम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये ज़्यादा टेक्निकल काम होता है। इसमें पहली नंबर वन रिक्वायरमेंट आपसे जो वो मांगते हैं वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी होनी चाहिए। बाज़ केसेस में वो गाड़ी पर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन फुल फ्लेज ड्राइविंग लाइसेंस यूके का आपके पास होना चाहिए टू वर्क इन दैट कैटेगरी ऑफ जॉब। उसमें ये होता है कि आप ट्रैवल करते हो अपनी कार के थ्रू, आप उस पेशेंट के या उस रेजिडेंट के घर जाते हो, वो जहाँ भी स्टे कर रहा है वहाँ पर आप जाओगे और आपने सारा अपना जो ड्यूटी टाइम है वो उनके घर पे उनके साथ ही स्पेंड करना है। और उसमें ये भी हो सकता है कि आप डेली डिफरेंट पेशेंट्स की लोकेशंस पर जाओ, और ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट नहीं है तो आप एक दिन में मल्टीपल जो पेशेंट्स हैं उनको भी आप कवर करो, यानी कि उस एरिया में जो भी 4, 5, 6 आपके हिस्से में आएंगे लोग, उनको आपने जाके देखना होगा उनके घरों में। तो जो लड़कियां काम करती हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है। और हमारे यहाँ लड़कियां जो हैं उनके साथ बाज़ दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं कि जिसमें वो एक प्रॉपर्टी पर गए हैं और वहाँ पर उनके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा,
तो ये वाली जो जॉब होती है ये स्पेशली गर्ल्स के परस्पेक्टिव से थोड़ी सी ज़्यादा डेंजरस मुझे लगती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको नहीं पता होता है कि घर का माहौल कैसा है, घर में और कोई मौजूद है कि नहीं है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, और जाहिर है एक जो घर होता है वो हर बंदे का अपने हिसाब से होता है, तो वहां पर आपको नेविगेट करना, आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, वो सारी चीजें करना थोड़ा सा आपके लिए इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग इस काम को करते हैं। मेरी अपनी कुछ ऐसे जानने वाले हैं जो कि ये वाली जॉब कर रहे हैं जिसमें वो डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर केयर प्रोवाइड करते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी जॉब सिर्फ इतनी होती है कि कोई लोनली है, ओल्ड एज है, और आपने उनके साथ बैठना है, उनका टाइम स्पेंड करना है, उनको आपने न्यूज़ वगैरह सुनानी है, उनसे बातचीत करनी है, जस्ट दैट इज़ योर जॉब, अगर कोई मेंटल इलनेस से गुजर रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट होता है जो कि मूव भी नहीं कर सकता, और आपने उनके घर में रहते हुए उनकी सारी की सारी केयर करनी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों तरह की केयर जॉब्स के अंदर। और एक जॉब पे के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना मस्ट है, जबकि दूसरी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की इतनी कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। और सेफ्टी का एलिमेंट भी केयर होम की जॉब में ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप पर्सनलाइज्ड या जो एक घर घर जाके जो केयर देनी होती है वो अगर आप करो तो उसमें थोड़ा सा बाज़ दफ़ा आपकी अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो कोई भी हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है जब आप इस किस्म के सिनेरियो में हो। आपको इमरजेंसी नंबर्स का पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपने किससे कांटेक्ट करना है, जो कंपनी आपको सेंड करी है आपने मेक श्योर करना है कि उन्होंने अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फुलफिल किया हो, आपको वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हों, एक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हों कि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मिसहैप नहीं होगा, और इन केस अगर कुछ होता भी है तो आप कोशिश करें कि आप उसको जरूर रिपोर्ट करें। छोटी सी छोटी बात और छोटी से छोटी चीज भी आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे यहां ये बहुत आम है कि कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होता है तो हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है कि उस चीज को छुपाया जाता है, इग्नोर किया जाता है और उस पर इतनी फोकस नहीं किया जाता। लेकिन यहां अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से काम करो, आपका जो एक आपको सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड की जाए, या आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, बोल सकते हो, और यहां पर उस चीज को कोई माइंड नहीं करता, तो अगर आप कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो फील करते हो या महसूस करते हो या कुछ भी आपके साथ होता है तो आपको उसको जरूर इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेकर काम को करें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि ये डिफरेंस सबसे पहले क्लियर कर दूं, बिकॉज हमारे लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत लोगों ने मुझे ये कंप्लेंट की कि हमें तो उन्होंने केयर होम की जॉब के लिए बुलाया था लेकिन जब हम वहां गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपको पेशेंट के घर जाकर उसको केयर देनी पड़ेगी, तो ये तो वो जॉब नहीं है जिसके लिए हमने साइन अप किया था। तो ये सारी चीजें आपने उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त क्लियर करनी है कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मुझे क्या क्या काम करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इससे ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। केयर होम के टॉपिक पर मैंने पहले जो वीडियो डाली हुई है वो मैं वीडियो के एंड पर उसका लिंक लगा दूंगी ताकि आप लोग वो भी देख सकते हैं। दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखें, कुछ बहुत एक्साइटिंग न्यूज हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत बहुत स्पेशल चीजें हैं, और इंशाल्लाह इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और फ्यूचर में और भी इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए आप जरूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आई होप आप लोगों का रमजान अच्छा गुजर रहा होगा। स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।